और यूट्यूब चैनल। गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का स्टार्टिंग में जो इंट्रो देखा, आज बिल्कुल वैसा ही इंट्रो बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। इंट्रो को बनाने के लिए हम लोगों को दो एप्लीकेशन का जरूरत होता है, पहला है काइन मास्टर और दूसरा है पिक्सलैब। तो आप लोगों के पास ये दो एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हूँ, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ हम लोगों को ये इंट्रो बनाने के लिए दो इफेक्ट का जरूरत होता है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वो पिक्सलैब ओपन कर लेना है और पिक्सलैब ओपन होने के बाद गाइस हम लोगों को इधर पे लिखना पड़ेगा अपना चैनल का नाम। तो इधर से लिख लेते, तो अपना चैनल का नाम लिख लेते इधर, ड्रीम्स व्लॉगिंग। तो आप लोगों का चैनल का नाम जो भी हो आप लोग लिख सकते हैं इधर पे अपना चैनल का नाम। तो इधर मैं ड्रीम्स व्लॉगिंग लिख देता हूँ। तो इसको थोड़ा तो अभी इसको हम लोग फ्रंट चेंज करना है, तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे पे, और नीचे पे आके हम लोगों को इधर मिलेगा फॉन्ट बोल के। तो इधर पे हम लोग जो भी फ्रंट चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग जो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इधर पे ज़्यादातर अच्छा ये वाला लगता है, तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो आप लोग जो भी कर सकते हो अपना मर्जी है। तो उसके बाद हम लोगों को इधर पे आ जाना है और इधर पे हम लोग को सेप को लेना है और सेप को कर देना है फुल। तो इसको हम लोग फुल कर लेते और इसको हम लोग फुल करने के बाद इसके नीचे पे मिलते हम लोग को कलर। तो हम लोग इसको कलर हम लोग ग्रीन कर देते, तो हम लोग ये वाला कलर कर देते और इसको राइट क्लिक कर देते। और उसके बाद फिर से हम लोग इधर पे आना है, इधर आके हम लोगों को हमारा चैनल का नाम को चैनल का नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को ए पे आके इधर पे टू फ्रंट कर देना है। तो हमारा चैनल आगे पे आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा बहुत बोल्डिंग करेंगे। तो बोल्डिंग करने के लिए हम लोग को इधर आ जाना है। तो हम लोग को बोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को बोल्डिंग नहीं करना है। तो हम लोग को सिर्फ आइटिलिक करना है। आइटिलिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, तो इसको कर लेते। तो राइट क्लिक और उसके बाद हम लोग को फिर से इधर आ जाना है। इधर आके हम लोग को इधर क्लिक करके ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके इधर पे ओके कर देते। तो इसके बाद हम लोग को फिर से इधर पे जाना पड़ता है और इसको स्क्रॉल डाउन करके इधर पे इरेस कलर बोल के होता है, इसको हम लोग कर देते इस तरह से। और इरेस कलर को ऑन करने के बाद हम लोग को राइट क्लिक कर देते और उसके बाद इधर पे क्लिक करते, इधर पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो हम लोग कर देते इस तरह से। ये हो चुका है, तो हम लोग इसको अभी पीएनजी फाइल में हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको सेव कर लेना है। सिंपली इसको सेव करने के लिए इधर दबाना पड़ता है और इधर से हम लोगों को कौन सा वाला मीडियम पे करना है आप लोग कर सकते हो, लो मीडियम हाई वेरी हाई अल्ट्रा। तो हम लोग अल्ट्रा पे कर देते, तो इसको हम लोग सेव कर देते सेव टू ग्लेरी। तो हम लोग इसको सेव करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना है काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे चलते, तो काइन मास्टर ओपन करके हम लोगों को लेना है इधर पे 16.9 को ले लेना है और उसके बाद हम लोगों को ऑन करना है इस तरह से। तो इधर पे आप लोगों को बोला था मैंने दो इफेक्ट का ज़रूरत होता है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये वाला इफेक्ट को हम लोग इधर लाना है और उसके बाद हम लोगों ने जो पिक्सलैब से सेव किया था उसको इधर लाना है। ये वाला को इधर लाएंगे और इसको कर देंगे फुल फिट। तो ये फुल स्क्रीन कर देते और इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इसको ये हो चुका है और इसको हम लोग सेम कर देंगे। तो इसको थोड़ा बहुत काट देते हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा इधर काट देते सेम कर देंगे, इसको इधर काट देते और ये सेम हो चुका है। ये देख सकते इस तरह से हो गया ये। तो इसको हम लोग सेव कर देते फिर, तो हम लोग इसको 1080p पे कर देते। तो इधर सेव कर लेते हम लोग पहले इसको। तो वैसे ये सेव हो चुका है, हम लोग को फिर से बैक आना है और इधर से हम लोग को न्यू फाइल लेना है, फिर भी 16.9 का ही लेना है। तो इसको लेने के बाद फिर से हम लोग को आ जाना है। हम लोगों ने बोला था सेकेंड दो इफेक्ट को डाउनलोड करना पड़ता है, सेकेंड इफेक्ट ये वाला है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और ये वाला इफेक्ट को लेना है, ये इस तरह से इफेक्ट होता है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करना है कि इधर पे हम लोगों को वो वाला जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था काइन मास्टर से, उसको फिर से इधर डाल देना है ये वाला। तो इसको हम लोग पहले फुल स्क्रीन कर देते, तो ये फुल स्क्रीन हो चुका है। तो अभी हम लोग इधर आके नीचे आके क्रोमा की को ऑन कर देते हैं और क्रोमा की को ऑन करने के बाद इस तरह से होता है, इस तरह दिखेगा। तो ये देखो गाइस इस तरह से हो जाता है। तो हम लोग इधर पे अभी थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा बहुत नीचे पे लाऊंगा। तो अभी देखता हूँ कैसा होता है। तो गाइस ये हो रहा है, लेकिन इसको ये हो रहा है। तो अभी हम लोग को फिर से इधर आके एनिमेशन पे क्लिक करके इधर पे देखना पड़ेगा कौन सा होगा। तो गाइस ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा बहुत 1.4 पे कर देते और अभी देखते हैं गाइस किस तरह से बनाए। ये देखो इस तरह से, देखो गाइस क्या ही मस्त लग रहा है, गाइस क्या मस्त लग रहा है। आप लोग भी बना सकते हो, आप लोगों का बनाना है। तो देखो गाइस फिर से एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है। तो गाइस ऐसा ही आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप लोग बना सकते हैं आप लोगों का इंट्रो वीडियो इसी तरह सेम। और इधर पे ड्रीम्स व्लॉगिंग नहीं लिखना है, अपना चैनल का नाम लिखना है।
और इसी तरह से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।